वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वे। और ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वे आज आपको लेके आया है कैफे लोटा। तो अपने लास्ट ब्लॉग भारत दर्शन में हमने आपसे कहा था कि बहुत भूख लग गई है भारत दर्शन करके, और मन कर रहा है कि भारत के सारे राज्यों के पकवान एक साथ मिल जाए। तो मैंने ऐसी एक जगह ढूंढ ली है और आज हम वही है, और ये है कैफे लोटा। आई होप आपने भारत दर्शन का हमारा ब्लॉग देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आईकार्ड में हम लोगों ने शेयर कर दिया है, उस ब्लॉग को जरूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। वेस्ट से भारत के फेमस मॉन्यूमेंट्स और मंदिरों को बनाया गया है। अब आते हैं कैफे लोटा में। तो कैफे लोटा है प्रगति मैदान में, जो क्राफ्ट म्यूजियम है उसके अंदर बना है। और इस कैफे की खास बात यही है कि ये भारत को जोड़ता है, भारत के बहुत सारे राज्यों को जोड़ता है, उत्तराखंड से लेकर केरल, सबका स्वाद मिलेगा आपको यहाँ। तो अब इंतजार किस बात का, चलते हैं अंदर और चखते हैं भारत का स्वाद। हम पहुंचे यहाँ अराउंड 8:30 PM एंड दिस इज द वाइब हियर, पीसफुल, क्वाइट एंड काम, व्हिच मेक्स इट परफेक्ट फॉर अ मॉनसून डेट। नेशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम म्यूजियम के अंदर ये कैफे, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान। और ये जो कैफे है ये सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक ओपन रहता है। तो हमारे पास टाइम काफी कम है, तो पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। ये है इसका मेन्यू। दिस कैफे ऑफर्स टेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के डिफरेंट स्टेट का बेस्ट। बेवरेजेस में यू कैन हैव मसाला छाछ, अंबाड़ी आइस टी, आम पन्ना, बेल शरबत, सत्तू शरबत एंड जूसेस। तो ड्रिंक में हमने ऑर्डर किया कोकम शरबत एंड स्ट्रॉबेरी कम्बुचा। हर एक फूड आइटम के नीचे मेंशन है कि उस पे बेसिकली कौन से स्पाइसेस एंड हर्ब्स यूज हुए हैं। मेन्यू में एक अलग से सेक्शन है चाय का, दे सर्व्ड वैरायटी ऑफ टी। और ये है स्टार्टर्स, इडली, वड़ा पाव और भी बहुत कुछ। आप वीडियो को पॉज करके इसका मेन्यू चेक कर सकते हैं। तो स्टार्टर्स में हमने ऑर्डर किया पालक पत्ता चाट एंड शेफ स्पेशल दही बल्ला। नॉन वेज में भी यहाँ बहुत ऑप्शंस हैं। मेन कोर्स काफी इंटरेस्टिंग है। वेज में कुमाऊनी थाली, हिमाचली थाली, कटहल बिरयानी, सिंधी करी, ये सब है। और नॉन वेज में केरला चिकन स्ट्यू, मटन धनसक, तोड़ी फिश करी और भी बहुत कुछ। तो हमने मेन कोर्स में ऑर्डर किया राजस्थान का चिकन मोकुल विद बाजरे की रोटी। मीठे में भी यहाँ बहुत यमी यमी ऑप्शंस है। जब तक हमारा ऑर्डर आता है एक छोटा सा टूर हो जाए इस कैफे का। तो म्यूजियम तो फिलहाल क्लोज्ड हो चुका है, लेकिन देखकर लग रहा है कि अगर आप दिन में इसे विजिट करते हैं तो आपको यहाँ बहुत मजा आने वाला है, आर्ट एंड फूड दोनों साथ साथ। कैफे लोटा बहुत सुंदर है, एकदम देसी एंड आर्टिस्टिक। जो शेड है वो बांस का बना है। वॉल पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट इज इंस्पायर्ड बाय इंडियन हैंडलूम। जगह जगह प्लांट्स है टू एड सम फ्रेशनेस टू दिस प्लेस। एंड फाइनली हमारा ऑर्डर भी आ गया है। ये है पालक पत्ता चाट, कोकम शरबत एंड स्ट्रॉबेरी कम्बुचा, और ये है दही भल्ला। प्लेटिंग इतनी कमाल है कि बिना टेस्ट किए ये सब हमने पास कर दिया। दही भल्ला कुछ इस तरीके से एक टोकरी में सर्व हुआ, और मजेदार बात यह है कि आप इस टोकरी को दिखा सकते हैं, ये बेसिकली आलू की बनी है। और ये पालक पत्ता चाट, इसमें इस ढेर सारी सेब के नीचे दही है। और मेन कोर्स भी हमारा आ चुका है, जिसमें ये है चिकन मोकुल। देखने में ये बहुत ही यम्मी लग रहा है। मैं ये नहीं खा सकती, तो मैं आज टेस्ट करूंगी सिर्फ बाजरे की रोटी, जो कि गर्मा गर्म घी के साथ बहुत मजेदार लग रही थी। तो इतना खाने के बाद भी मुझे थोड़ी सी और भूख लगी थी, लेकिन मैं प्रॉपर वेज थाली नहीं खा सकती, इसीलिए हमने ऑर्डर किया नमक अजवाइन का ये परांठा विद कड़क मसाला चाय, जिसे पीते ही इस मॉनसून में मुझे बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा था कि बस इसी की नींद थी। और ये है हमारा बिल। नाउ इट्स टाइम टू शेयर आवर एक्सपीरियंस। तो कैफे लोटा में हमारा डिनर हो चुका है ओवर, और अब बारी है इस जगह को रिव्यू करने की। और सबसे पहले बात करते हैं जगह की एम्बियंस की, जो कि हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। मतलब जब आप डिनर कर रहे होते हैं तो आपको चाहिए होती है कि आसपास शांति हो, ताकि आप अपना खाना जो है शांति में इंजॉय कर सके। और यकीन मानिए वो पीस यहाँ पर आपको मिलेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम के अंदर बना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वाइब आपको आएगी। तो हमें इसका एम्बियंस बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा? A1 नहीं, एम्बियंस अच्छा था, बहुत अच्छा। एज यू मेंशन काफ़ी पीसफुल था, और बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, क्राउडेड भी नहीं था,
मतलब आई वाज सरप्राइज कि इतना अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, मे बी बिकॉज इट्स अ वीक डे, बट इट वाज ऑल एवर। और अब बात कर लेते हैं सर्विस की, तो सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी है, यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है, और हमें सर्विस भी यहाँ की फास्ट लगी, मतलब ऑर्डर आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और सारे स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था यहाँ का, वेरी हैड अ स्माइल ऑन देयर फेस व्हिच ऑलवेज मेक्स योर डे व्हेन यू गेट सच पीपल हु ट्रीट यू दैट वेल। स्माइल के साथ अगर आपको कोई खाना खिलाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अरे बात कर लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, भारत का स्वाद चखने यहाँ के खाने की, तो शुरुआत करते हैं स्टार्टर्स से। तो हमने स्टार्टर में ऑर्डर किए थे पत्ते की चाट, जो कि मुझे ट्राई करना था, और वो बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है, उसे ज़रूर ट्राई करना। मतलब पत्ता जो था, पत्ता चाट, वो इतना ज़्यादा क्रिस्पी था, आपको मज़ा आ जाएगा उसे खा के। उसके बाद यहाँ पर शेफ स्पेशल था दही बड़ा, वो भी बहुत अच्छा था। शेफ स्पेशल दही बड़ा था, वो मैंने ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन था आई वुड से, और ऑब्वियसली मेरी चॉइस में ऐसे तो अच्छी रहती है, इस बार एक बार फिर से वो चॉइस अच्छी रही, इट वाज एक्चुअली वेरी नाइस। लेकिन मेरे लिए दही दही बहुत ज़्यादा हो गया था, तो जो मेरा पेट था वो उन दो चीज़ में ही भर गया था, तो मैं मेन कोर्स में गई नहीं आज, और मैं आज नॉनवेज किसी कारण से नहीं खा सकती, तो मैंने नॉनवेज यहाँ पर ट्राई नहीं किया। लेकिन किसी ने नॉनवेज यहाँ पर ट्राई किया है, नॉनवेज में जो हमने मंगाया था, जो मेरी चॉइस थी, वो थी राजस्थान का फेमस चिकन मोकुल, वो कैसा था? अमेजिंग, आई मीन शायद मैंने पहली बार ही वो खाया था, बट टेस्ट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट देन एनी अदर चिकन दैट आई हैव ट्राइड इन माई लाइफ, सो आई विल ऑलवेज गिव इट अ थम्स अप, और आई वुड सजेस्ट और आई वुड रिकमेंड जो भी यहाँ पर आएँ वो उस चिकन को ज़रूर ट्राई करें। इनफैक्ट अगर नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा यहाँ आता हूँ तो मैं भी उस चिकन को दोबारा से भी खाना पसंद करूँ। इनफैक्ट चिकन में यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, गोवा का फिश करी है जो कि कोकम से तैयार होता है, जो कि मुझे ट्राई करना है, मैं नेक्स्ट टाइम उसे ट्राई करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेज में ऑप्शंस नहीं है, वेज में भी है, कुमाऊनी थाली है, हिमाचली सिड्डू है, और उसके अलावा एक और था सिंधी कड़ी, जो कि मुझे करनी थी, लेकिन मेरा पेट जो था वो चाट खा के इतना ज़्यादा भर गया था कि मैंने फिर उसे ट्राई नहीं किया। लेकिन एक आदत है, रात को बिना रोटी खाए नींद नहीं आती, तो लास्ट में मैंने अजवाइन परांठा, नमक अजवाइन परांठा ऑर्डर कर लिया था चाय के साथ। चाय बहुत अच्छी थी, लेकिन नमक अजवाइन परांठा मुझे ओके लगा, नमक उसमें बहुत ज़्यादा था नहीं, तो वो मुझे ओके लगा, लेकिन चाय यहाँ की अच्छी है। तो ओवरऑल जो खाना है वो यहाँ का वाकई में काफ़ी अच्छा है, मतलब हमने राजस्थान का जो वो चिकन आइटम ट्राई किया, हमने नहीं, इन्होंने, वो काफ़ी अच्छा था इनके हिसाब से। पत्ता चाट वो बहुत सही थी, कोकम ड्रिंक की हम बात करना भूल गए, कोकम ड्रिंक हमने ट्राई की है गोवा की, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको थोड़ा सा मतलब वो खट्टापन पसंद है ना अपनी ड्रिंक में, तो उसे ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। और एक और चीज़ ट्राई की थी, कम्बुचा, कम्बुचा कौन सा, स्ट्रॉबेरी कम्बुचा, स्ट्रॉबेरी, हाँ, मतलब मैंने शायद फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट इट्स लाइक वाइन, जैसे आपको वाइन के लिए टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, शायद इसके लिए भी टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। आई वोंट से कि बुरा था, हाँ, इट वाज डिफरेंट, आई एम नॉट इन अ स्टेट कि मैं उसको अच्छा या बुरा एक बोल पाऊँ या जज कर पाऊँ, बिकॉज इट कुड बी गुड फॉर पीपल हु लाइक्स इट, बट मेरे लिए पहली बार था तो थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगा, शायद दो चार बार ही और इसको ट्राई करूंगा तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगने लगे, बिकॉज इट्स कंप्लीटली फर्मेंटेड ड्रिंक थी, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसका टेस्ट डेवलप करने में, उसका टेस्ट डेवलप करने में टाइम। इनफैक्ट कोकम में भी आपको एक अलग सी स्मेल लगेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करो शायद आपको उसमें भी लगेगी एक बहुत हटके सी स्मेल है, लेकिन ओवरऑल वो जो ड्रिंक थी वो मुझे पसंद आई। तो खाना यहाँ का अच्छा है, आप डेफिनेटली जगह को आए, अगर आप ये पिज़्ज़ा पास्ता खा के थक चुके हैं और सही में देसी खाना खाना चाहते हैं, तो कैफे लोटा को ज़रूर 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 चेकआउट करें। और बात कर लेते हैं इसके बजट की, तो हमें ये बजट फ्रेंडली लगा, हमने ज़्यादा, हमारा जो बिल आया वो 2000 के अराउंड आया, बिल ज़्यादा गया क्योंकि हमने आइटम्स बहुत ज़्यादा मंगा लिए थे, जैसे कि मैंने कहा कि दो चाट के बाद ही मेरा पेट भर गया था, बट फिर भी मैंने अजवाइन परांठा खाया क्योंकि एक रोटी खाने की आदत है। लेकिन मुझे लगता है कि दो वो जो आइटम्स आए थे वो दो लोगों के लिए इनफ थे, मेन कोर्स इन्होंने अकेले फिनिश किया लेकिन वो दो लोगों के बराबर था, तो अगर हम ज़्यादा आइटम ना मंगाए, मतलब लिमिटेड, आराम से आपका पेट भी भरेगा और बिल आपका बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, 1000 में आप बहुत आराम से यहाँ पर मेन कोर्स खा सकते हैं, वेज थाली और नॉन वेज बहुत आराम से 1500 में यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हमें ये जो जगह है वो पॉकेट फ्रेंडली लगी, right. है ना?
अगर आप अपने हिसाब से खाना मंगाएं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई ना करें, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस में ही आगे बढ़ें, तो 1000-1500 की रेंज में दो लोग आराम से खा सकते हैं। तो हमारी तरफ से कैफ़े लोटा को थम्स अप है, इस जगह को चेकआउट ज़रूर करें। और अगर आप दिल्ली की ऐसे ही यूनिक आइकॉनिक देसी प्लेसेस को जानते हैं जहां मिलता है देसी स्वाद, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट टाइम उस जगह को चेकआउट करें। और आज इस ब्लॉग में इतना ही, इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वेब पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।